खबर कोरिया से है, जहां पर मनेन्द्रगढ़ में पार्षद राजू यादव ने सीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। मामले में पार्षद का कहना है कि वार्ड में नाली निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार ने लगभग 3 महीने से केवल खुदाई करके खुला छोड़ दिया है। मामले को लेकर कई बार जिम्मेदारों से निवेदन और शिकायत की गई है, लेकिन मांग पूरी होने का सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। नाली है जिसमें कई घरों का निस्तार है, और वो नाली अभी बनी हुई नहीं थी, लेकिन विगत 3 महीने पहले ठेकेदार के द्वारा खोद दी गई इस नाली को, जिसमें गंदा पानी और इतनी गंदगी हो गई है जिससे बहुत कीड़े मकोड़े तरह तरह के मच्छर जन्म ले रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर काम लगा, मेरे द्वारा मौखिक रूप से सीएमओ और विभागीय अधिकारी और इंजीनियर बोला गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वहाँ पर काम लगा, उसको छोड़ काट के और पूरा गड्ढा करके छोड़ दिए। छोटे बच्चे वहाँ पर रहते हैं, परिवार उनका रहता है, मच्छर इतने भर गए वहाँ पर कि वो महामारी के रूप लेने की स्थिति हो गई है। लोगों के घर में सीपीएच का पानी घुसने लग गया है नाली का, और भारी गंदगी हो गई है। उसमें इंजीनियर से पूछा गया तो स्थिति देखते हुए हम ठेकेदार का नाम करता हूँ, काम करने लग पाएंगे, इसमें से अपन करा रहे हैं और अभी फील्ड में काम लगा दिए हैं। नाली क्लीनिंग के बाद उसका निर्माण होगा तो उस हिसाब से किया जाएगा। हमने स्थल विभाग का काम करने लायक स्थिति नहीं, ठेकेदार इंजीनियर के कहने के अनुसार मैं तभी 6 महीने से आया हूँ। उनका कहना है कि 2 साल 2.5 साल पुराना काम, उस स्थिति में देखते जैसे जो भी रहेगा जनहित में अपन उसको काम कर रहे हैं तत्कालिक स्थिति में।